नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथन बो। दोस्तों चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों बात करने वाले हैं कि बीपीएससी के माध्यम से शिक्षा विभाग में होगी शिक्षकों की बहाली। तो आइए इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए चर्चा को शुरू करने से पहले रेड कलर के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई अपडेट शिक्षा जगत से जुड़ी हुई डालूँ वो सबसे पहले मिल जाए आपके मोबाइल पर। राज्य के जितने भी शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज हैं उनमें जल्द 1066 व्याख्याताओं की बहाली होगी। शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद बीपीएससी ने बहाली के लिए कवायद तेज कर दी है। आपको बता दें कि अभी यहाँ गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से पढ़ाई हो रही है, जो सप्ताह में अधिकतम 2 दिन क्लास लेते हैं। प्रति क्लास 500 और अधिकतम 1000 रुपये दिया जा रहा है। सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट और प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय में विभिन्न विषयों के शिक्षकों की भारी कमी है। रिक्ति के अनुरूप बीपीएससी ने आवेदन भी लिया है। डाइट और पीटीईसी में व्याख्याताओं की बहाली के लिए एमएड में कम से कम 55% के साथ किसी एक विषय में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम 55% अंक जरूरी है। पीएचडी डिग्री पर आपको उसका वेटेज मिलेगा। शिक्षा विभाग के निदेशक सुधीर कुमार ने बताया कि वर्तमान में राज्य में 33 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, 23 प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय समेत 66 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान हैं, जिनके लिए बहाली जल्द कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रक्रिया तेज हो गई है। तो जी हाँ, डाइट बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली करेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सबको जानकारी मिले। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय शिक्षा, वंदे मातरम।